देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, इस नाम से आप परिचित हैं, ये वही नाम है जिसने महाराष्ट्र के मालेगांव की हामिदिया मस्जिद के पास हुए आतंकी धमाके के साथ आरोपियों में से एक माना गया था। चलिए आपको साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में और भी कुछ बता देते हैं कि आजकल एक बार फिर इनका नाम क्यों इतना भुनाया जा रहा है। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिनकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल मालेगांव के धमाके में किया गया था, इस धमाके में 7 लोग मारे भी गए थे और वहीं 80 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। सूत्रों की माने तो इस समय हादसे में कम लोगों के मारे जाने पर इन्होंने अफसोस भी जताया था। तो वहीं धमाके में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल के जरिए ही मुंबई ATS आरोपियों तक पहुंची थी और उस मुंबई ATS के चीफ हेमंत करके थे उस समय। ये वही हेमंत करके हैं जो मुंबई में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हो गए थे। बहरहाल बात साध्वी की चल रही है तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में हम आपको और भी कुछ बता देते हैं। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भले ही NI ने क्लीन चिट दे दी हो, पर हाई कोर्ट ने इनकी क्लीन चिट को रद्द कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा बेल पर छुट्टी है और भोपाल से भाजपा प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी हैं। साध्वी का मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह से है और अगर इस विषय पर राजनीतिज्ञों की मानी जाए तो दिग्विजय को भोपाल में देखकर ही भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा है। सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर जो भाजपा नहीं कर पा रही थी वह साध्वी भोपाल में करेंगी। साध्वी पहले ही अपने चुनावी रण को कांग्रेस के खिलाफ धर्मयुद्ध बता चुकी है। बताने का कारण भी दिग्विजय सिंह ही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता भगवा आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे थे। दिग्विजय ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये भी कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है कि संघ से जुड़े कुछ लोग हैं जो मालेगांव ब्लास्ट में पकड़े गए थे और अजमेर शरीफ के साथ साथ मक्का मस्जिद में भी जो धमाके हुए थे उनमें शामिल थे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि BJP की कोशिश हिंदुत्व आतंकवाद के मुद्दे को जनता तक पहुंचाना है। साध्वी का मकसद भी दिग्विजय की कथित हिंदुत्व विरोधी छवि को जनता के सामने भुनाकर भोपाल की गद्दी को हासिल कर। आज साध्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेल में हुए उत्पीड़न को जनता तक पहुंचा रही थी। आप अपनी आपबीती सुनाते हुए वह भावुक भी दिखाई दी। सियासी गलियारों में हो रही चुनावी रण की तैयारी अब और चरम सीमा पर पहुंच रही है। भोपाल में प्रत्याशियों का ये रण किस करवट जीत दिलाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।